हेलो मैकेनिक दोस्तों, मैं हूँ सद्दाम हुसैन और आप देख रहे हो ये मोटरसाइकिल मैकेनिक। तो गाइस, आज मेरे पास आई है एक हीरो कंपनी का स्प्लेंडर प्लस बाइक है। ये BS6 बाइक है दोस्तों। तो ये एक प्रॉब्लम लेकर मेरे पास आई है दोस्तों। क्या प्रॉब्लम लेकर आई है मैंने आप लोगों को दिखा दूंगा दोस्तों। ये बाइक सब कुछ इलेक्ट्रिक है, BS6 का बाइक है। तो क्या प्रॉब्लम लेकर आई है मैं आप लोगों को दिखा दूंगा दोस्तों, वीडियो बने रहे दोस्तों। तो दोस्तों, मैंने सबसे पहले बाइक का चाबी ऑन कर लिया, उसके बाद ये चेक इंजन लाइट जो ये जल रहा है और बाइक बहुत मिसिंग मार रहा है दोस्तों। तो दोस्तों, ये प्रॉब्लम कहाँ से शॉर्ट आउट करना है मैं आप लोगों को आज दिखा दूंगा दोस्तों। बाइक स्टार्ट देने पर अगर आपको बाइक ये चेक इंजन लाइट जल रहा है दोस्तों, तब आप समझ लीजिए ये बाइक का कुछ प्रॉब्लम है। और ये बाइक देखिए दोस्तों, स्टार्ट देने पर ये चेक इंजन लाइट जल रहा है और मिसिंग मार रहा है। मैंने ये सबसे पहले मैंने एक OBD स्कैनर लगाकर ये बाइक का प्रॉब्लम कहाँ से कहाँ पर प्रॉब्लम वो मैंने आप लोगों को दिखा दूंगा। ये हमारा OBD केबल है दोस्तों। यहाँ पर सब हर गाड़ी का ये OBD केबल है यहाँ पर, और ये स्कैनर है दोस्तों। इसके ज़रिए मैंने आप लोगों को प्रॉब्लम कहाँ से मैं शॉर्ट आउट करके आप लोगों को दिखा दूंगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये देखिए, ये TVS जुपिटर का केबल है, ये YAMAHA का केबल है, और ये TVS का केबल है, और ये पेट प्लस का केबल है, ये रॉयल एनफील्ड का केबल है। देखिए यहाँ पर रॉयल एनफील्ड, ये अपाची का केबल है, ये हीरो का केबल है, ये हमारा लग जाएगा दोस्तों। ये हमारा हीरो का केबल है, ये लग जाएगा दोस्तों। यहाँ पर जो देखिए, यहाँ पर ये DLC कनेक्टर, एक कपलर लगा हुआ है यहाँ पर। ये कपलर मैंने खोल दिया दोस्तों, उसके बाद ये केबल लगाकर आप लोगों को प्रॉब्लम कहाँ से शॉर्ट आउट करके आप लोगों को लाइव प्रूफ दिखा दूंगा और प्रॉब्लम सॉल्यूशन करके दिखा दूंगा दोस्तों। देखिए यहाँ पर ये OBD जो है, देखिए यहाँ पर मैंने चाबी ऑफ है, चाबी ऑन करके देखिए, ऑन करने के बाद ये जो OBD टूल है, ये हमारा टूल ऑन हो जाएगा दोस्तों। ये मेरा टूल ऑन हुई है दोस्तों, देखने में बहुत दिक्कत हो रही है, इंटरप्रेस कर देंगे मैंने। और यहाँ पर देखिए क्या दिखाई दे रही है, कोड फॉन्ट्स ऑन दिखाई दे रही है। और यहाँ पर इंटर करेंगे, देखिए दोस्तों क्या दिखाई रही है, थ्रोटल पेडल पोजीशन सेंसर स्विच ए सर्किट लॉ दिखाई दे रही है दोस्तों। तो ये प्रॉब्लम कहाँ से, तो हमारा प्रॉब्लम यहाँ पर दिखाई दे रही है दोस्तों। देखिए यहाँ पर जो ये थ्रोटल बॉडी लगा हुआ है, ये जो कपलर है, देखिए ये हमारा थ्रोटल पोजीशन सेंसर, TPS सेंसर बोलता है इसी को, ये मैंने कपलर खुल कर आप लोगों को दिखा दूंगा। देखिए ये हमारा यहाँ पर 5 वायर लगा हुआ है दोस्तों कपलर से। मैंने ये कपलर लगा कर आप लोगों को ये टूल के जरिए मैंने अपडेट मार कर आप लोगों को ये प्रॉब्लम सॉल्व करके आप लोगों को दिखा दूंगा दोस्तों।
यहाँ पर देखिए दोस्तों, चेक इंजन लाइट ऑन है और मैंने ये ओबीडी टूल से मैंने अपडेट मारकर आप लोगों को दिखा दूंगा। देखिए यहाँ पर थ्रोटल पेडल पोजीशन सेंसर स्विच ए सर्किट लॉ दिखाई दे रही है, तो ये मैंने इंटर प्रेस कर देंगे दोस्तों। उसके बाद जो ये रेड कोट है, यहाँ पर इरेस कोट है, तो मैंने इरेस कोट पर स्क्रॉल करेंगे। उसके बाद मैंने ये इरेस कोट पर इंटर करेंगे। उसके बाद देखिए क्या दिखाई दे रही है यहाँ पर। आप अगर ये चेक इंजन लाइट हटाना चाहते हो तो इस पर क्लिक करो। देखिए यहाँ पर ये इरेज डन हो चुकी है। देखिए तो मैंने ये चाबी ऑफ कर ऑन करके स्टार्ट देकर आप लोगों को दिखा दूंगा। देखिए देखिए दोस्तों, ये लाइट प्रूफ है। बाइक स्टार्ट देने पर ये लाइट गायब हो चुका है दोस्तों। ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो रहा है दोस्तों। तो आप लोगों को ये फिर से मैंने बाइक स्टार्ट करके आप लोगों को दिखा दूंगा। देखिए दोस्तों, ये स्टार्ट देने पर ये लाइट गायब हो गया है। देखिए ये मेरा प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो रहा है दोस्तों। तो मैंने आप लोगों को फिर से ये टूल के ज़रिए प्रॉब्लम है कि नहीं चेक करके आप लोगों को दिखा दूंगा। देखिए ये कोट्स फाउंड जीरो दिखाई दे रही है दोस्तों, जीरो हो रहे है। इसका मतलब ये प्रॉब्लम नहीं है गाड़ी पर। दोस्तों चैनल पे अगर नया हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर दीजिए। वीडियो लाइक कर दीजिए दोस्तों।